तुम्हारा घर बार किधर है? तुम्हारे माँ बाप कौन है? बोलो। अरे आइए देखते हैं जय श्री राम ऑल ऑफ यू, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि 4:30 बज चुके हैं शाम के, और मैं कुछ कर नहीं रहा था मॉर्निंग से, इसलिए आपको दिखाया नहीं। अभी का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ विक्की के घर पे, क्योंकि विक्की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया। चीज़ नहीं है वैसे भी, वो कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे जाने पर मजबूर कर रही है उसके घर पे। और चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या चीज़ लेके आया विक्की, बहुत ही प्यारी चीज़ लेके आया है। सो वैसे चलते हैं बाइक से, मिलता हूँ आप लोगों को विक्की के घर पहुँच के। अभी मेन रोड पर आया था और मुझे 3 एथलीट मिल गए, दिखाता हूँ एक तबियत और ये दोनों भी मिल गए। तो भाई अकेले अकेले दौड़ने जा रहे थे, नंगे हाथों पकड़ लिए इनको, दौड़ना है तुझे इस पे। तो देख रहे हो मैंने बाइक से आया हूँ, मैं जाऊँगा बाइक से और तुम दोनों जाओगे इससे, देखते कौन से दौड़ता है। ये हाँ तुम्हारा सबक भाई रख क्या साले, इसने मुझे बताया नहीं क्या ना, तो मैं निकल गया किसी और मंजिल की तलाश में। बेटा कुछ लाया पहले भी बाहर ही था, लाया नहीं क्या? तो गाइस पहुँच चुका हूँ विक्की के घर पे और लेट हो गया मैं, 6 बज गए। ये दिनेश वगैरह मुझे जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे पार्क चलने के लिए। ये देखो, यही है वो प्राणी जिससे मिलवाने आया था आप लोगों को। सो ये है विक्की का नया मेंबर और आज हम ले जाएंगे इसको। इसको देखो भाई कैसे पड़ा रहता है पूरे दिन, पबजी सब्जी क्या खेल रहे, बस देख लो। इसलिए इसने नया फोन खरीदा है सिर्फ पबजी खेलने के लिए। तो कौन थी इसका नाम रखते सुंदरी, क्या नाम रखेगा? गुंजू, मुंजू, ये हुई ना। क्या नाम है, क्या नाम है? रिमझिम। वैसे फीमेल डॉग है भाई, बहुत ही प्यारा। इसको सीसा दिखाते देख चाटने लगेगा अपना। ये बात, ये हुई ना बात। देखो नया हेलमेट जो आया उसे सूंघ रहा है। काट लेता है इसका दांत, नहीं इसको नहीं पता इसका दांत है, इसका दांत बहुत है नुकीला। पबजी में जो लड़की कैरेक्टर है सारा ढेर सारा। ये ऊपर सोता है ना, इसके पास सोता है।
विक्की के पास बेड पे सही तो विक्की को कंपनी मिल जाएगी इससे है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। कटा वो अपनी टांग खा रहा है। सुला दे बिट्टी इसको। चाटेगा ए साले। तू भी सोलो उसी के साथ। ए, नहीं सो जाओ। ओके इसको क्या हो गया? सो गाइस अब बच चुके हैं शाम के 7:30। अब चलते हैं वापस घर। सो गाइस घर आ चुका हूँ और अब थोड़ी तैयारी व्यारी भी करनी पड़ेगी खाने की। उससे पहले छत पे जाके बाहर सो जाते हैं। उससे पहले छत पे जाके कपड़े वगैरह लेके आते हैं और मैंने धोए थे छत पे। तो बहुत ही मस्त हवा चल रही है। थोड़ी देर बैठते फिर चलते हैं कपड़े वगैरह लेके। तो गाइस जब से मम्मी पापा गए और गोलू तो ऊपर तो सोने आता ही नहीं। मैं उठने के लिए नीचे सो जाता हूँ। आज वैसे रूम की सफाई करी चुका है रूम की। अब अकेले क्या ही सोने ऊपर, नीचे भी खाली रहता है पूरा, इसलिए नीचे ही सो रहा था। सो गाइस देखो मैं कपड़ा कैसे लेके आया हूँ। पूरे कपड़े ये ब्लैंकेट है, इसमें सारे कपड़े रख दिए। कुछ सेंटा क्लॉस वाली फील आ रही थी के अंदर हैं सारे कपड़े। सो गाइस अभी लेके आते हैं दुकान से दूध और एक मैगी, क्योंकि रात में खाने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि शाम में खाया था पेट फुल फुल अच्छा लग रहा है। सो मैगी ले आता है, अगर भूख लगती है तो बना के खा लेंगे। और अभी दूध लेके आते हैं फिर चाय बना के पीते हैं मस्त। इसमें ले आया हूँ क्या क्या ले आया हूँ, मैगी और ये ले आया हूँ बूंदी और ये है जलजीरा और दूध। पहले हम पियेंगे बूंदी वाला जलजीरा और थोड़ी देर बाद पियेंगे चाय। मैंने सबित को भी बुला लिया, सबित भी आ रहा है, उसको भी जलजीरा पिला बनाते हैं पहले बूंदी वाला जलजीरा। सो गाइस हमारा बूंदी वाला रायता तैयार है, एक गिलास मेरा एक सभी तक, सभी तभी आ रहा है। गाइस रात के बज चुके हैं 11, हमें सब मैगी खा ही ली जाए। मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, भूख को लगी नहीं थी। लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से बना रहा हूँ मैगी। मैंने देखो इसमें प्याज टमाटर अदरक सब डाल दिया है, लहसुन भी और ये मिर्च भी डाल दे रहा हूँ। सो इसको पूरा अच्छे से पीस लेंगे फ्राइंग पैन में, हल्का सा ऑयल डाल के इसमें मसाला तैयार कर लेंगे, फिर पानी डाल के मैगी डाल देंगे। बहुत अलग तरीके से बनाएंगे जल्दीबाजी के चक्कर में। सो गाइस इस तरह की मैगी आपने नहीं खाई होगी, इसमें सारी चीज़ें पिस चुकी है देख लो। और इसमें हम डालेंगे हल्का सा ऑयल। गाइस ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं जीरा और पेस्ट। तो भाई ये बर्तन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये घर में था लेकिन मैं यूज नहीं करता था। सही है छोटा सा मैगी बना, अब से इसी में बनाया करेंगे। इसमें हल्का सा पानी डालते हैं, मसाले डालते हैं। तो मैगी का पानी रेडी हो चुका है, अब डालते हैं इसमें मैगी।
और बस 2 मिनट के अंदर मैगी हमारी रेडी। जैसे चुटकी हो जाऊंगा मैगी रेडी रेडी। तो हमारी मैगी रेडी हो चुकी है 2 मिनट के अंदर। सो गाइस अब खाते हैं मैगी। इसी में खा लेता हूँ छोटा सा। सो गाइस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे। एक मिनट गाइस कुछ बोल रहा हूँ मैं, इसको नीचे रखता हूँ। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। बाय।